बॉलीवुड वालों की जो फटके फ्लावर हो गई है, उस लिहाज से मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही आवाज बार बार गूंजती है, सबसे पहले घबराना नहीं है। लेकिन गब्बर सिंह ने कहा था कि जो डर गया सो मर गया, जो डर गया समझो मर गया। और बॉलीवुड इस वक्त वाकई में बहुत डरा हुआ है और इसीलिए उसकी सारी फिल्में फ्लॉप भी हो रही है, क्योंकि ये मरे हुए लोग हो चुके हैं। मर गया लाल सिंह चड्ढा के आमिर खान का ये भी कहना है फिल्म फ्लॉप होंदी है ये तो पता था, लेकिन फिल्म का बॉयकॉट भी होता है ये मैनू नहीं पता था। मेरे को कुछ नहीं पता, पुलिस पता लगा रही है। और एक बात बताओ भाई, आप सब इतना प्यार कर रहे हो आमिर खान को कि अकेले सिर्फ आमिर खान की ही फिल्म लाल सिंह चड्ढा का बॉयकॉट कर रहे हो? गजनी की औलाद। अक्षय कुमार से क्या प्रॉब्लम हो गई है? अक्षय कुमार की रक्षाबंधन आ रही है, उस पर भी प्यार बरसाओ, उसे भी बॉयकॉट करो। जो प्यार आपने पृथ्वीराज पे बरसाया था उसे बड़े लेवल पर फ्लॉप किया था, तो अक्षय कुमार के साथ भी थोड़ा इंसाफ करो, उनकी फिल्मों का भी हैशटैग चलाओ जरा, हैशटैग बॉयकॉट रक्षाबंधन। तो कहानी तो जैसा पता ही है सभी को कि अक्षय कुमार ने कहा था ओ माय गॉड रिलीज के दौरान कि भाई हनुमान जी ने कब कहा था कि मेरे ऊपर तेल चढ़ाओ। हनुमान जी कभी नहीं कहते हैं पैसे वेस्ट मत करो हनुमान जी के ऊपर तेल चढ़ाकर। फिर अक्षय कुमार का ये कहना है कि शिवलिंग के ऊपर दूध मत चढ़ाओ, पैसे की बर्बादी है, वैष्णो देवी मत जाओ, आपके 1.5 से 2 लाख 3 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं, उसे गरीबों को डोनेट कर दो। इन चमन झंडुओं का सारा ज्ञान सिर्फ और सिर्फ हिंदू त्योहारों और हिंदू देवी देवताओं के ऊपर ही रहता है, ये सब दोगलापन है। ये ससुरा कनाडा कुमार जब अपनी फिल्मों की शूटिंग खत्म करके अपनी पूरी फैमिली के साथ जब विदेश यात्रा पर जाता है तब ये नहीं सोचता है कि भाई पैसे वेस्ट हो रहे हैं, चलो किसी गरीब को ही डोनेट कर देते हैं। ये सारा ज्ञान सिर्फ हिंदू फेस्टिवल पर ही नजर आता है इन लोगों को। देखो मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूं और मैं कुछ गलत बोलना भी नहीं चाहता हूं, लेकिन आपने देखा होगा कि इन बॉलीवुड वालों को सिर्फ हिंदू फेस्टिवल ही दिखाई पड़ते हैं, हिंदू रीति रिवाज ही दिखाई पड़ते हैं, उन्हीं की आस्था दिखाई पड़ती है, जबकि लोग अपनी आस्था के हिसाब से चर्च में जाते हैं तब ये नहीं कहते कि वहां पर कैंडल मत जलाओ, मजारों पर चादर मत चढ़ाओ, पैसे गरीबों को डोनेट कर दो, ये नहीं कहते, क्योंकि इनको सिर्फ एक ही धर्म को टारगेट करना है और उस धर्म को टारगेट करना इसलिए आसान है क्योंकि उस धर्म से कोई आवाज नहीं उठती है, हालांकि अब उठने लगी है और इसका रिजल्ट भी इन लोगों को देखने को मिल गया है। अरे भैया तुमसे ज्ञान मांगा किसने कि हम अपना पैसा कहां पर लगा रहे हैं, कहां पर नहीं लगा रहे हैं, दूध चढ़ा रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं या वैष्णो देवी की यात्रा कर रहे हैं, तुम्हें ज्ञान देने के लिए किसने कहा और ये ज्ञान तुमसे मांगा किसने? फ्री में क्यों ज्ञान दे रहे हो, तुम तो ज्ञान देने के भी पैसे चार्ज करते हो, तो ये वाला समाज सेवा का काम फ्री में कैसे कर रहे हो, क्योंकि ये काम एजेंडे के तहत आता है। देखिए हर धर्म की अपनी आस्था होती है, अगर किसी को दूध चढ़ाना पसंद है, उसकी आस्था है, उसे शांति मिलती है तो उसे चढ़ाना चाहिए, अगर किसी को चादर चढ़ाकर आस्था मिलती है तो उसे भी चादर चढ़ाना चाहिए, और किसी को कैंडल जलाकर आस्था मिलती है तो उसे कैंडल भी जलाना चाहिए, सबकी अपनी अपनी आस्था है, लेकिन इन लोगों ने ज्ञान देने का ठेका पालकर रखा हुआ है कि यहाँ ये मत करो वहां वो मत करो। हमें शिवलिंग के ऊपर दूध चढ़ाकर अच्छा लगता है और तुम्हें चरस अफीम गांजा फूंक कर अच्छा लगता है, हमारी आस्था दूध चढ़ाने में है और तुम्हारी आस्था गांजा फूंकने में है, तो इसमें दोष किसका है? रक्षाबंधन की जो राइटर है कनिका ढिल्लन, अब इन्होंने अपने 17 ट्वीट्स डिलीट किए हैं जिसमें इन्होंने लिंचिस्तान इंडिया को कहा था, गाय के ऊपर बहुत सारे ट्वीट किए हैं, सरकारों के ऊपर गंदी गंदी बातें लिखी हैं, ये सारे हिंदू विरोधी जितने भी ट्वीट्स थे ये सारे डिलीट कर दिए हैं। आपको पता होना चाहिए कि कनिका ढिल्लन जो है ये रक्षाबंधन की राइटर है। लोगों को कुछ मिल नहीं रहा था कि यार रक्षाबंधन का बॉयकॉट तो हर बार कर लेंगे, अक्षय कुमार है ही है, लेकिन कुछ और चाहिए तगड़ा, तो ये कनिका ढिल्लन निकली। कनिका ढिल्लन अपनी नफरत भरी ट्वीट जो है इसके लिए बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। देखिए आज के दौर में लोग इतने समझदार हो चुके हैं कि जैसे ही बॉलीवुड की कोई फिल्म का नाम अनाउंस होता है, उसका ट्रेलर आता है, उस फिल्म से रिलेटेड कौन कौन प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, एक्टर है, एक्ट्रेस है, कोरियोग्राफर है और उसकी जो भी करता धरता है, जो भी लोग उससे जुड़े हुए हैं, इन सभी की जन्म कुंडली निकालकर रख लेते हैं कि इन लोगों ने सोशल मीडिया पर कब कब क्या कहा था और क्या क्या चीज इनको नहीं कहनी चाहिए थी, और जब कुंडली निकल जाती है तब इनकी फिल्मों के लग जाते हैं।
अब इनकी फट के फ्लावर हो चुकी है। रक्षाबंधन जो हिंदू फेस्टिवल है उसके ऊपर फिल्म बना रहे हैं, लेकिन हिंदू त्योहारों के ऊपर ही ये लोग अटैक करते हैं अपने ट्वीट्स में। तो बताओ, एक तरफ हिंदू त्योहारों का विरोध भी कर रहे हो, हिंदू धर्म के खिलाफ बातें कर रहे हो, और दूसरी तरफ हिंदू फेस्टिवल पर फिल्में बनाकर करोड़ों कमाने की भी सोच रहे हो, तो ये दोगलापन नहीं चलेगा भाई। अलग अलग कश्तियों पर दोनों ही पैर रखकर चलोगे तो डूबना आपका तय है, और वही बॉलीवुड के साथ हो रहा है। तो रक्षाबंधन भी बॉयकॉट कीजिए और लाल सिंह चड्ढा तो बॉयकॉट हो ही रही है। इस तरह के ट्रेंड इस वक्त सोशल मीडिया पर भर भर कर मिल रहे हैं। लाखों करोड़ों के जो ट्वीट्स दिख रहे हैं उसमें आप सोच लीजिए कि लोग बॉलीवुड के प्रति कितने कितने गुस्सा है, कितनी नफरत आ गई है लोगों के दिल में इस बॉलीवुड के प्रति।